राधे राधे फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब तो देखिए मैं आज आपके पास वीडियो लेके आई हूँ ये युगल जोड़ी सरकार की ड्रेस है और इसे आप गर्मियों की ड्रेस के ऊपर पहना सकते हो ये राधा जी का पौचू है और ये कान्हा जी का श्रग है तो दोनों को आप कोई भी गर्मियों की ड्रेस कैरी करते हो तो उसके ऊपर आप पहना सकते हो सर्दियों में तो देखो कितनी सुंदर लग रही है हमारी ड्रेस और ये अठारह नंबर के लिए है अगर आपने अठारह नंबर से छोटी बनानी है तो छोटी के लिए आपने दो चैन इसमें कम करनी है और दो आपने धारियाँ रो मतलब कम करनी है तो ये आपके लिए जैसे आप सोलह अगली बनाना चाहते हो तो उसमें दो दो करनी है आपने दो चैन और दो रो कम करनी है और बड़ी बनानी है तो दो दो आपने और बढ़ानी है तो ये अठारह वैसे बीस तक आ जाएगी वैसे मैंने अठारह अगली बनाई है पर बीस तक ईजीली आएगी तो ये हमारा पहुँचू है और करते हैं स्टार्ट ये सिर्फ दो घंटे में बन के तैयार हो जाती है तो पहुँचू और शेख के साथ बताना आप कमेंट बॉक्स में कैसी लगती है तो ये देखिए मैंने चैन बना लिया ये थर्टी थ्री चैन है अब मैंने देखो यहाँ पे डबल क्रोशिया करना है चौथी चैन में एक दो तीन ये चौथी चैन में डबल क्रोशिया करना है तो अब हर चैन में हमने डबल क्रोशिया देखो इस तरह से तो ये रो हम ऐसे कंप्लीट करते हैं फिर अगली में बताती हूँ मैंने क्या करना है डबल क्रोशिया इसमें हर चैन में तो अब देखिए सेकंड रो सेकंड रो में हमने दो डबल क्रोशिया बना लिए हैं अब हमने क्या करना है यहाँ पे ये दो एक छोड़ के दूसरे में तो ये इस तरह से एक बार और ये एक बार ये इस तरह से तो ये हमने पफ क्रोशिया बना लिया फिर एक छोड़ के दूसरे में तो एक, एक छोड़ के बनाना है इसी तरह से ये इस तरह से हमने पफ करोशिया बनाना है एक चैन छोड़ के दूसरे चैन में एक पफ क्रोशिया इस तरह से हम इसको ये देखो मैं दोबारा बता देती हूँ ये जो है एक चैन छोड़ दी दूसरे में ये देखो एक बार डबल क्रोशिया लिया पर निकाला नहीं हमने फिर दोबारा लिया और अब हमने इकट्ठा निकालना है आप चाहते तो इसको तीन का भी बना सकते हो ये मैं दो का ही बना रही हूँ दो बार में आप तीन डबल कोशे का बना सकते हो इस पफ को चार का बना सकते हो आपकी मर्जी है जितना बड़ा आप बनाना चाहो फिर एक चैन एक दो इस तरह से फिर दो ले लिए और एक दो दो अब यहाँ हमने दो डबल क्वेश्चे लेने है। एक यहाँ पे लेना और एक यहाँ लेना देखो स्टार्टिंग में और एंड में हमने दो दो डबल क्रोशिया लेने हैं बाकी हमने ये पफ लेने हैं अब पफ आप कितना बड़ा करते हैं आपकी मर्जी है अब देखो अब हमने थर्ड रो है हमारी तो थर्ड रो में देखो हमने क्या करना है एक दो तीन चैन ले ली और यहाँ एक डबल क्रोशिया ले लिया तो एक ही तीन चैन ये भी डबल क्रोशिया काम करती है तो ये दो हो गए हमारे तो अब हमने क्या करना है ये देखो एक बार सिंगल डोल क्रोशिया लिया फिर दोबारा दूसरे में हमने दो लिए ये देखो एक लिया फिर इसी हॉल में हमने दोबारा लेना है एक ये दो, दो ले लिए अब इसमें हमने सिंगल लेना है ये पफ वाला ही बनाते चले जाएंगे हम और इसमें हमने दो लेने हैं एक बार हमने दो लेने हैं एक हॉल में एक बार हमने सिंगल लेना है एक और ये इसी हॉल में दोबारा ले लेंगे ये देखो अब इसमें अब हम सिंगल लेंगे अब दूसरे में फिर डबल लेंगे तो इस तरह हमारे ये बढ़ जाएंगे इसमें हम फिर एक और लेंगे ये देखो इस तरह से आएगा एक बार सिंगल एक बार डबल एक बार सिंगल एक बार डबल अब इस बार सिंगल बस हमने पफी बुनने सारे में और फिर डबल इसी तरह रॉ कंप्लीट करेंगे और लास्ट में हमने दो ये डबल क्रोशी लेने हैं बहुत इजी बना रहे हो इसी डिजाइन में मैंने सेम काना जी की ड्रेस बनाई थी वो आप मेरे वीडियो पे जाके देख सकते हो ये हो गया हमारा अब हमने ये दो डबल डबल क्रोशिया लेना है एक इसमें लेना और एक इसमें लेना है तो अब फोर्थ रो आ गई फोर्थ रो में भी एक दो तीन चैन ले ली और एक ही डबल क्रोशिया ले लिया तो अब हमारे टोटल दो डबल क्रोशिया हो गए अब हमने क्या करना है देखो ये है जो ये चैन ये आएगी तो अभी हमने यहाँ पे एक लिया था अब यहाँ पे हमने इस हॉल में लेना है एक पफ ये देखो अब ये एक की जगह दो पफ हो जाएंगे अब दूसरा इस हॉल में लेना है हमने ये दो पफ हो गए अब जो ये एक है ये जहाँ हमने डबल लिया हुआ है यहाँ पे हमने दो ही लेने हैं इसमें एक और ये दो ये हमने एक ही हॉल में दो लेने हैं इस तरह हमारे बढ़ते चले जाएंगे अब ये देखो ये जो हॉल है इसके साथ ही ये वाला तो एक इसमें ले लिया हमने और एक इसमें ले लिया पहले एक था अब हमारे दो डबल क्रोशिया हो जाते हैं दो पफ हो जाते हैं सॉरी ये देखो इस तरह से आएगा अब इसमें जो हमने डबल लिया हुआ था एक हॉल में इसमें हमने डबल ही लेना है एक हॉल में दो बार लेना है एक दो अब देखो ये हॉल इसी के साथ है बिल्कुल तो इसमें एक ये दो एक पफ हो गया चैन होगी फिर दोबारा हम यहाँ से लेना है एक दो। बस इस पफ को आप जितना बड़ा करना चाहते हो कर सकते हो दो बार तीन बार चार बार दो मैंने दो बार ही किया है अभी सॉल में हमने दो बार करना है इसी तरह हम ये रॉ कंप्लीट करेंगे फिर अगली में बताते हैं आपको क्या करना है देखो फिफ्थ रो है हमारी तो दो हमने ये ले लिया है डबल क्रोशिया स्टार्टिंग में हम लेते हैं और अब हमने इस हॉल में एक लेना है अब एक पफ हो गया हमारा अब दूसरे हॉल में दूसरा लेना है तो अब जहाँ हमारे दो पफ थे वहाँ हमारे तीन हो जाएंगे ये दो हो गए और एक इस हॉल में तो जहाँ दो पफ थे अब हमारे तीन हो जाएंगे एक एक बढ़ता चला जाएगा और ये यहाँ हमारे जो डबल है एक ही हॉल में इसको हम वैसे ही रहने देंगे यहाँ डबल ही बनाते चले जाएंगे हम ये देखो दोबारा बताती हूँ ये हमारे देखो दो एंड डबल क्रोशिये एक और ये दो और पफ सॉरी भूल जाती हूँ मैं एक अब ये यहाँ पे दो तो ये हमारे अब तीन हो जाएंगे और एक ही सॉल में तीन बस यहाँ से हमारा ये बढ़ता चला जाएगा और यहाँ हमने दो के दो ही रखने हैं ये वाले अगर आपकी बारी को ना बेबी हो ना मेरी थोड़ी मोटी है तो आप यहाँ पे तीन बार ले सकते हो उसको डबल क्रोशिया को तीन बार लेके ये देखो तो जैसमें दो बार लिया एक बार और ले सकते हो तो उसका पफ मोटा बनेगा थोड़ा बस इसी तरह मैं ये सारा कंप्लीट कर लूँगी बढ़ाती जाऊँगी और अब तीन आए अब चार आ जाएंगे अगली रो में तो बस इसी तरह बढ़ते चले जाएंगे और ये हमारी देखो कलियाँ टाइप बन जाएंगी तो देखिए हमारा बन गया है लंबाई आपने जितनी करनी है उतनी कर सकते हो तो मेरी देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ ये नौ लाइन हैं नाइन रोज़ है, नाएन है। आ, तो ये मेरा कंप्लीट हो गया अगर आपने, आपने और कुछ करना है इसमें तो कर सकते हो बट मुझे ज़्यादा तामझाम अच्छा नहीं लगता तो ये सिंपल ठीक है और मैंने इसके साथ आउटलाइन करनी है तो आउटलाइन देखो मैं कैसे कर रही हूँ सिर्फ हाफ हाफ़ डबल क्रोशिया से ये देखो मैं आपको करके दिखा देती हूँ आप जैसे आपको अच्छा लगे वैसे सजा सकते हो आप इसे देखो इस तरह से करके और हर उसमें ये देखो चैन में इस तरह से इस तरह एक ही बार में निकालना है, ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया हो जाता है ये देखो डबल में तो हमें दो बार निकालते हैं देखो इस तरह से फिर आ, फिर दोबारा से इस तरह से लेकिन हम इसमें एक ही बार निकालेंगे तो इसमें आपने आउटलाइन ऐसे करनी है चारों तरफ और डोरी डाल देंगे और शर्क हमारा बन के तैयार हो गया अब आप इसमें बीट्स लगा सकते हो अपनी मर्जी से फ्लार लगा सकते हो जो आपको अच्छा लगे लगा सकते हो और ऐसे भी अच्छा लग रहा है ये आपकी अपनी मर्जी है तो ये है कि जैसे हम कॉटन के कपड़े पहनाते हैं गर्मियों वाले तो उसके ऊपर हम इसको पहना सकते हैं आराम से ताकि ठंड से बचाव हो जाए हमारे भगवान का आप तो बनाएंगे हम कान्हा जी के लिए शर्ट बनाएंगे क्योंकि उनको तो शर्क अच्छा लगेगा तो उनकी जैकेट टाइप बनाते हैं हम थोड़ी सी इसमें डोरी डाल देना आप तो देखो बस आउटलाइन होगी और क्रेशी से डोरी डल जाएगी बस इसको यहाँ लॉक कर देंगे और धागे को तोड़ देंगे बस इसको तोड़ देंगे और यहाँ हम देखो डोरी बना लेंगे ये हमारा सीधा है से सीधा आप जहाँ मर्जी से कर सकते हो जहाँ थोड़ी फिनिशिंग हो वहीं आप सीधा कर सकते हो ये धागे हम अंदर कर लेंगे और यहाँ एक एक डोरी बना लेंगे सिर्फ एक एक ही काफ़ी है और ज़्यादा की जरूरत नहीं है बस यहीं बनाएंगे हम गले के पास और बस इसको ऐसे छोड़ देंगे चाहो तो आप यहाँ भी बना सकते हो सेंटर में बना सकते हो जैसे आपको अच्छा लगे तो यहाँ आप बीट्स भी लगा सकते हो अगर आपके पास हैं है, अवेलेबल हैं तो तो देखिए अब हमने इस काना जी की जैकेट के लिए ये देखो अब चैन बनाएंगे तो देखो मेरे को प्रॉपर साइज तो नहीं पता चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सताईस अट्ठाईस उनतीस तीस तो इकतीस ले लिया हमने देखो थर्टी वन तो थर्टी वन ले ली चैन हमने अब हम यहाँ पे चौथे में आके ये देखो डबल डबल हाफ़ क्रोशे करेंगे ये हाफ़ डबल क्रोशिया हो गया हर चैन में हमने हाफ डबल क्रोशिया बुनना है इस तरह से देखो ये होता है हमारा हाफ डबल करोशिया मैंने उसमें बताया था आपको राधा जी के पहुँचूँ मैं तो ये देखो हर चैन में बुनना है और ये रो हमें ऐसे कंप्लीट करनी है फिर बताती मैं आपके आई होप क्या आपको समझ आ गया होगा देखो ये हाफ़ डबल क्रोशिया होता है नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है देखो इस तरह लपेटा हमने और इसको इसी एक बार में निकाल देंगे ये हमारा हाफ़ डबल क्रोशिया होता है तो इस तरह से आएगा तो हम इसको कर लेते हैं पहले लंबाई पूरी इसी तरह से बना के फिर बताती मैं आपको तो देखिए रॉ कंप्लीट होगी हमारी और दो चैन लेनी है ले ली हमने और अब देखो अब फिर यही रिपीट करना हमने, हाफ है हमने हाफ़ डबल क्रोशिया बनाना हमने पूरे में हम जब तक लंबाई नहीं हो जाती हमारी बस इसी तरह बुन लेंगे हम ये देखो इस तरह से आ जाएगा ये देखो बस इस तरह से बुनते हैं हम फिर लंबाई करके मैं आपको बताते हूँ क्या करना है तो देखिए हमारी ये बारह रो होगी ये वाली एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तो आप और लंबा करना चाहते हो कर सकते हो वैसे ये इनफ है तो काफ़ी है ये तो अब हमने ये दस चैन बना लिए दस और दो एक्स्ट्रा बना लिए बारह चैन बना लिए तो अब हम क्या करेंगे इन चैन में से ये तीसरी चैन में डबल क्रोशिया लेंगे इसी तरह हर चैन में हमने डबल क्रोशिया बुनना है हाफ डबल क्रोशिया जैसे अभी अभी बुन रहे थे हम चार इधर हर चैन में और फिर कंटिन्यू रखेंगे इसको और इस साइड भी सेम कर लेंगे दस चैन बना के इस साइड भी ऐसे बना लेंगे हम तो देखो इस तरह से आएगा ये तो इस साइड भी ऐसे बना लेंगे फिर बताती हूँ मैं आपको तो देखिए इस तरह से आया अब हम ये पांच रो बुनेंगे फाइव रोज़ तो पूरा पूरा बुनना है हमने इसको ये भी और ये भी और बीच में ये भी इसको पूरा बुनेंगे हम फाइव रोज कंप्लीट करते हैं फिर बताते हैं दो देखिए ये पाँच रो होगी हमारी एक दो तीन चार पाँच ये पाँच है हमारी तो अब हमने क्या करना है पाँच रो होगी एक दो तीन चार पाँच तो अब यहाँ से देखो इसको इस तरह करना है हाफ तो यहाँ आप मार्कर लगा लेना और यहाँ से हमने पांच फंदे या चार तो चार डबल क्रोशिया हाफ डबल क्रोशिया ये हमने स्किप करने हैं अब यहीं से वापस ले जाएंगे ये चार हमने बीच में गले की कटाई करनी है उसके लिए अब यहीं से हम बीच में ले जाएंगे इसको वापस ले जाएंगे तो इसको नहीं बुनेंगे हम बस यहीं से वापस ले जाएंगे एक दो चैन लेके फिर यहाँ इसी तरह ले जाएंगे हम और वापस दो रो कंप्लीट करने के बाद फिर बताती हूँ मैं आपको इस रो को कंप्लीट करके फिर दूसरी भी लाती यहीं वापस फिर बताऊँगी क्या करना है तो देखिए हमने चार घटाए थे और यहाँ पे अब हमने ये ले आए हम यहाँ पे तो अब हमने यहाँ पे आ, दो एक्स्ट्रा लेने हैं इसी हॉल में एक और ये दो ये दो ले लिया हमने और अब दो चैन लेके फिर वापस फिर इसमें दो लेंगे क्योंकि हमने बटन पट्टी बनानी है एक और ये दो अब बाकी हम सिंपल सिंपल बुनते जाएंगे जैसे हम बुन रहे थे बस दो यहाँ ले लिए दो ऊपर ले लिए तो चार हमारे बढ़ गए तो बस हम बाकी सिंपल बुनेंगे और उसको अभी बताती हूँ मैं आपको तीन दो करने के बाद तो अब देखिए यहाँ हमारे बढ़ गए और ये हमारे देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ नौ रो हो गए हैं ये आ, तो अब हम इसको इस तरह से देखो बाजू हमारी पूरी है क्योंकि हमें ज़्यादा चौड़ी करनी नहीं है अगर आपने ज़्यादा खुली करनी है तो एक रो और ले सकते हो पर हमने अब इतना यहीं से हमने कटाई करनी है वापस करना है उसको तो ये हमने बंद कर दिए देखो यहाँ हमने दस बढ़ाए थे दस चैन ली थी और दो एक्स्ट्रा ली थी तो दस हाफ डबल क्रोशी हो गए तो यहाँ दस ही हमने घटाने अब यहीं से वापस ले जाएंगे तो ये दस हैं इनको यहीं से वापस ले जाएंगे बुनना नहीं है इसको अब और इसी को बुनेंगे अब हम सिंपल सिंपल बुनेंगे ना घटाना अब ना बढ़ाना ना कुछ नहीं करना बस इसको इतना करना है हमने इसकी लंबाई पूरी हो जाए इसके बराबर फिर बताती हूँ आपको उसके बाद क्या करना है ये देखिए इस तरह से आएगा मैं बताती अभी आपको ये देखो ये है जो हमारा ये यहाँ पे बाजू है तो ये इतना आ गया हमें इसके यहाँ तक इसकी लंबाई पूरी करनी है तो सेम फिर हमने इस तरफ भी ऐसे ही बुनना है यहाँ बीच वाले हम घटा देंगे या से यहाँ से स्टार्ट करेंगे फिर क्योंकि ये हमारे गले की कटाई होगी है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इसको तो सेम बुनना है ये भी ऐसे ही और इसकी लंबाई पूरी कर देते हैं हम फिर बताते हैं आपको तो देखिए ये लंबाई तो पूरी होगी और हमने बंद कर दिया इसको तो ये इस तरह से देखो इस तरह लंबाई आ जाएगी हमारी यहाँ तक ये हमारी बाजू हो गई है और ये हमारा आगे का हो गया फ्रंट अब हम इसका और बना देंगे तो यहाँ से स्टार्ट किया हमने देखो ये बीच में छोड़ दिया हमने चार और अब इसको कंप्लीट कर लेंगे सेम टू सेम बिल्कुल जैसे ये किया वैसे ही करना है बस ये हमने चार यहाँ पे घटाए हैं तो हमने यहाँ पे और चार यहाँ पे बढ़ा दिए हैं दो हमने बटन पट्टी की और दो हमने जो गले में घटाए थे वो तो बस इसको कर लेते हैं फिर बताती हूँ मैं आपको क्या करना है ये हमने सिल दिया इस साइड का और दोनों बना दिए थे और इस साइड का सिलना बताती हूँ मैं आपको सुई से नहीं सिल रही मैं तो मैं क्रेशी से सिल रही हूँ तो ये देखो मैंने दोनों साइड से ये दो इस तरह से दोनों में लेना है और स्लिपिंग स्टिच के साथ इस तरह से ये देखो बस इस तरह मैंने सिलते जाना है इसको तो सुई मेरी इसमें कहीं भी यूज नहीं हुई है ना राधा रानी के में ना इसमें तो ये देखो बहुत ईजी है इसको सिलना स्लिपिंग स्टिच बोलते हैं इसको, जिसको नहीं पता और इसके साथ मैं इसको बंद कर दूँगी तो देखिए सिल दिया हमने इस तरह से आएगा हमारा ये देखो बिल्कुल फिनिशिंग में सिलाई हुई है इसकी तो अब हमारी ये जैकेट तैयार है अब हमने इसमें आउटलाइन करनी है यहाँ पे और पीछे भी और आगे भी इसमें आउटलाइन कर लेंगे अगर आपको अच्छा लगता है तो करो अगर आपको ऐसी रखनी है तो ऐसे रखो तो बाजू में हमने कर लिया देखो इसी तरह ये देखो हाफ़ डबल क्रेशी के साथ इसी तरह कर लेंगे हम यहाँ भी तो देखिए ये हमने राउंड यहाँ तक कंप्लीट किया है अभी गले तक और ये जो हमने गले तक किया है इसको हम वापस ले जाएंगे यहीं से इसको हमने गले से गले तक वापस लेके जाना है क्योंकि गले से गले तक हमें तीन या चार राउंड पूरे करने हैं तो वो हम करेंगे तो ताकि ये थोड़ा फोल्ड हो जाए ये यहीं से गले से गले तक ले जाएंगे इसको और इसी तरह हाफ डबल क्रोशिया फिर हाफ डबल क्रोशिया और अब हम डबल क्रोशिया कर लेंगे यहाँ ये यह देखो डबल क्रोशिया इस तरह से यहाँ भी डबल क्रोशिया करेंगे अब ये डबल क्रोशिया करेंगे पहले हमने दो डबल हाफ डबल क्रोशिया लिए हैं उसके बाद सॉरी ये दो हाफ डबल क्रोशिया लिए फिर उसके बाद हमने डबल क्रोशिया लिए हैं तो इस रॉ को ऐसे कंप्लीट करेंगे गले से गले तक फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ तो देखिए लास्ट में फिर हम हाफ डबल क्रोशिया लाएंगे दो बार जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था इस तरह फिर हम दो चैन बनाएंगे उसके बाद फिर हमने यहीं ऐसे करना है हाफ डबल क्रोशिया फिर हाफ डबल क्रोशिया और उसके बाद फिर डबल क्रोशिया और लास्ट में फिर ऐसे करेंगे ऐसे इस तरह से आ जाएगा ये देखिए लास्ट दो बच्चे हैं इसमें फिर हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे ये और फिर इसमें भी हाफ डबल क्रोशिया अब हमने फिर ये राउंड पूरा हाफ डबल क्रोशिया से करना पूरा जो रह गया हमारा ये हमारा कॉलर हो गया है इस तरह से और अब हम इसको यहाँ से करेंगे इस तरह तो पॉकेट के लिए देखो हमने सात चैन बना लिए और अब हम क्या करेंगे यहाँ पे चौथी चैन में डबल क्रोशिया करेंगे हाफ नहीं डबल करेंगे आप हाफ डबल क्रोशिया बना सकते हो और डबल क्रोशिया से बना सकते हो तो हमने ये चार डबल क्रोशिया करने हैं और फिर दो सॉरी तो तीन चैन ले लेंगे फिर उसके बाद फिर रिपीट करेंगे इसको चार बार डबल क्रोशिया एक तीन हो गए और ये चार बस दो ही रो लेनी है हमने इसकी और हम धागे को थोड़ा बड़ा काट लेंगे क्योंकि हमने इसको सिलना भी है ये ये देखो इतना सा बनाया है। ये हमने पॉकेट बना दिया है चार डबल क्रेशिया का और दो रोवा हमारी तो अब इसको हम सिलेंगे तो देखिए गले को आप चाहो तो मतलब यहाँ पे स्टिच कर सकते हो सुई के साथ ये हमने फोल्ड किया है इस तरह से था ये तो इस तरह फ़ोल्ड किया है आप सुई के साथ स्टिच कर सकते हो और यहाँ आप एक बटन लगा लेना या डोरी लगा लेना आपकी मर्ज़ी आप क्या लगाना चाहते हो या टीच बटन लगा लेना बस इसको हमने आप इस तरह सिलना है और हमारे पॉकेट तैयार हो तो देखिए पॉकेट लग के तैयार हो गया हमारे और श्रग बन गया है यहाँ हमने इसको स्टिच कर दिया सुई से ताकि फिट हो जाए और अगर मेरा आपको बनाए वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आने वाले नोटिफिकेशनस आप तक पहुंचती रहे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कैसे लगते हैं आपको मेरे बनाए वीडियो और अगर कोई और अलग चाहिए तो आपको वो भी बता सकते हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल